हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक माय एग्ज़ाम चैनल। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस करने से पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि प्रेपोजिशन की क्या इम्पोर्टेंस है। हर एक चैप्टर की इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस होती है, तो अगर वो प्रेपोजिशंस ना कर पाएँ तो कोई भी ऐसा हमारा ग्रामर का स्पीच नहीं है जो वो काम कर पाएगा। तो ऐसे कौन सी स्पेसिफिक प्रेपोजिशन की इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि प्रेपोजिशंस सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ लिंक करती हैं या फिर कनेक्ट करती हैं। मे बी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कनेक्शन का काम कंजंक्शंस भी करते हैं। बिल्कुल सही, कंजंक्शंस भी कनेक्शन का काम करते हैं, पर देयर लाइज ए डिफरेंस बिटवीन प्रपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। कंजंक्शंस काम करते हैं दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का, बट प्रपोजिशन काम करती है एक ही सेंटेंस के पार्ट से दूसरे पार्ट के साथ लिंक कैसे बनाना है, वो प्रपोजिशन का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सी, बहुत बेसिक सी, छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग, ठीक है जी, आई एम गोइंग स्कूल, तो अगर हम देखें आई एम गोइंग दैट इज कम्प्लीट इन इट सेल्फ, पर अगर हमें इस पार्ट को स्कूल के साथ लिंक करना है तो हमें बीच में क्या लगानी पड़ेगी, प्रेपोजिशन। तो दैट प्रेपोजिशन वुड बी टू, परफेक्ट, ठीक है। अगर ये प्रेपोजिशन वहाँ पे ना होती तो शायद ये स्कूल एक डैंगलिंग वर्ड रहता। डैंगलिंग वर्ड मीन्स वो साइड पे ऐसे लटका रहता जिसका बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ कोई लिंक ना होता। तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ लिंक करने के लिए, या मैं बोलूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करने के लिए, हमें कोई ना कोई प्रपोजिशन को यूज़ करना ही पड़ता है। तो चलिए आज हम करेंगे कुछ कन्फ्यूजिंग प्रपोजिशंस जो हमारे डेली लाइफ में तो यूज़ होती है, पर कभी कभी हम उनके यूज़ के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रपोजिशन होगी, लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक, एट एंड इन। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने जो डिफरेंस करना है वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो एट और इन में पहला हम डिफरेंस करेंगे प्लेस के बेसिस पे, ठीक है जी। तो इसमें प्लेस में क्या डिफरेंस है, इफ आई आस्क यू गाइस कि आई एम लिविंग डैश जलंधर, तो आप क्या लगाएंगे, एट जलंधर कि इन जलंधर, बट ऑब्वियस इन जलंधर, ठीक है। बट आपने ये भी सुना होगा आई एम लिविंग एट जलंधर इन पंजाब, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, जब सेंटेंस में एक ही प्लेस के बारे में बात की हो, ओनली वन प्लेस इज बीइंग गिवन इन द सेंटेंस, देन यू विल ऑलवेज यूज इन, ठीक है। आग बंद करके आपको वहाँ पे इन लगा देना, आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि वहाँ पे एट लगेगा या इन लगेगा। बट अगर सेंटेंस में टू प्लेसेस की बात की गई है तो बट ऑब्वियस फिर हमें एक पे एट लगाना पड़ेगा और एक पे इन लगाना पड़ेगा। तो आप ये सोचेंगे कि हम एट कहाँ लगाएंगे और इन कहाँ पे लगाएंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको दो प्लेसेस देखनी है, जहाँ से आपको प्लेस छोटी लग रही है उस पर आपने क्या लगाना है एट, और जो बड़ी वाली प्लेस होगी उस पर आप क्या लगाएंगे इन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग डैश मॉडल टाउन डैश जलंधर, तो बट ऑब्वियस अगर आप इसमें आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो मॉडल टाउन छोटी प्लेस रहेगी, और अभी हमने क्या सीखा कि छोटी प्लेस के साथ हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एट, और जो इनमें से बड़ी प्लेस है दैट इज जलंधर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक प्लेस, प्लीज रिमेंबर, ये नहीं कि वैसे मॉडल टाउन छोटा है, बट जब हमने उसका जलंधर से कंपैरिजन किया दैट मीन्स कि जलंधर के कंपैरिजन में मॉडल टाउन थोड़ा छोटा है, इसलिए हमने वहाँ पे लगाना एट, ताकि हम उसको पर्टिकुलराइज कर सकें, और इन जलंधर ताकि हम उसको बता सकें कि जलंधर बड़ी प्लेस है, ठीक है, रादर देन मॉडल टाउन। तो होपफुली आपको एट और इन का डिफरेंस समझ आ गया होगा व्हेन इट कम्स टू प्लेस। अब हम डिफरेंस करेंगे एट और इन में ही इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन में इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही पोजीशन के लिए यूज हो सकती हैं, पर फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, वो क्या, वो ये डिफरेंस होता है कि जब
इन आपने कब यूज करना है? अगर मैं हिंदी में छोटा सा वर्ड बोलूं अंदर, तो आप किसी चीज के अंदर हैं तो आप क्या यूज करेंगे? इन। बट एट कब यूज करेंगे? जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस की एक मार्जिनल डिस्टेंस पे खड़े हैं, देन यू विल ऑलवेज यूज एज एट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आई एम स्टैंडिंग डैश अ रूम, इट मीन्स कि मैं, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे कि मैं एक कमरे के अंदर खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, ठीक है? तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे? अंदर के लिए हम कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे? इन। बट अगर आप किसी के घर गए हैं और उनके डोर के बाहर खड़े हैं, तो वो पर्टिकुलर प्लेस है जिसके साथ आपका एक मार्जिनल डिस्टेंस है, वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? एट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द डोर, ठीक है जी? वेटिंग फॉर यू, सॉरी, ठीक है? तो मैं आपकी वेट कहाँ पे कर रहा हूँ? डोर के पास खड़े होके। तो जब कोई चीज़ का मार्जिनल डिस्टेंस और वो पर्टिकुलर प्लेस है, तो आप उस पर यूज़ करेंगे एट। जी चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने डिफरेंस किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। एक और बेसिक सा डिफरेंस होता है एट और इन में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हमें ये भी सीखना है कि एट और इन में टाइम के बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, एट हमेशा पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज होता है। टाइम के बेसिस पे डिफरेंस करें तो हमें याद रहना चाहिए कि एट हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आई विल टेक योर क्लास डैश 4 o'clock, तो 4 o'clock एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, ठीक है? आई विल टेक योर क्लास, अगेन रिपीटिंग, आई विल टेक योर क्लास डैश 4 p.m. तो इजंट इट ए पर्टिकुलर टाइम? ऑफकोर्स येस। तो जो चीज़ पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हमेशा एट। और इन, इन आपको हमेशा याद रखना है, इन भी टाइम के लिए यूज़ होता है, पर इन कभी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं यूज़ होता है, रादर ये एक ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है। तो जब हमने ड्यूरेशन दिखानी है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? इन। तो देखिए ड्यूरेशन कैसे, अगर मैं ये बोलूँ, अगर मुझे किसी को बोलना है कि मैं 10 मिनट में तुमसे वापस आके मिलूँगी, ठीक है? तो उसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगी 10 मिनट में? तो आई विल मीट यू इन 10 मिनट्स, नॉट आफ्टर 10 मिनट्स। अगर किसी के माइंड में ये बात आई हो तो हम वो भी क्लियर करेंगे इसके बाद, पर इस पर फोकस करते हैं। तो आई विल मीट यू डैश 10 मिनट्स। तो इसमें ये देखिए, 10 मिनट्स तक आपको किसी को मिलना है, इट मीन्स 10 मिनट्स खत्म होने पे, तो आप उसको क्या बोलोगे कि आई विल मीट यू इन 10 मिनट्स, अगेन रिपीटिंग, 10 मिनट खत्म होने पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर घड़ी पे 10 बज रहे हैं इस टाइम पे, और आपने किसी को बोला है कि 10 बजे आपने किसी को बोला कि मैं आपको 10 मिनट में मिलती हूँ, या फिर आई विल मीट यू इन 10 मिनट्स, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप उनको कब मिलने वाले हैं? 10:10 पे, 10:10 पे, वेन इट वुड बी 10:10। अगर आपने सीधा ही किसी को ये बोल दिया कि आई विल मीट यू डैश 10:10, तो ये पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, तो आप क्या यूज़ करेंगे? एट। बट जब आपने सिर्फ ड्यूरेशन बताई है, तो वो इम्प्लाइड होगा कि अगर आपने 10 बजे बोल दिया कि आई विल मीट यू इन 10 मिनट्स, इट मीन्स 10 मिनट्स की एंडिंग पे आप उनको मिलेंगे। तो हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं तक, 10 मिनट तक मिलूँगा, ठीक है? इसी तरह अगर आपके माइंड में टाइम के लिए कुछ और प्रपोजिशंस भी आ रही हैं, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड दोज प्रपोजिशंस आर विद इन, ठीक है, विद इन, आफ्टर एंड बिफोर। दीज प्रपोजिशंस आर ऑलवेज यूज्ड फॉर टाइम ऑल्सो, ठीक है? विद इन, आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है? तो अगर हम वर्ल्ड टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, 10 बज रहे हैं, ठीक है ना? अगर 10 बजे मैंने ये बोल दिया कि आई विल मीट यू इन 10 मिनट्स, इट मीन्स कि 10 मिनट ख़त्म होने पे। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आई विल मीट यू विद इन 10 मिनट्स, क्या सेंटेंस ठीक है ग्रामेटिकली? बिल्कुल हाँ,
बिल्कुल ठीक है, पर सिर्फ उसका हिंदी में कहने का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। विद इन 10 मिनट्स कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 10 मिनट खत्म होने से पहले पहले। तो अगर आपको हिंदी में इसको करना है तो इट मीन्स जिस टाइम ड्यूरेशन आपने दिया है उस टाइम ड्यूरेशन के बीच बीच में आप किसी को मिलने वाले हो। अगर 10 बज रहे हैं तो इट मीन्स आप 10:09 तक उस पर्सन को मिल लोगे, उससे पहले पहले मिलोगे। 10:10 हो जाएंगे तो यू शुड से कि आई विल मीट यू इन 10 मिनट्स। तो जब आपने एंडिंग पॉइंट शो करना है आप यूज़ करेंगे इन, जब आपने बीच वाली ड्यूरेशन को दिखाना है तो आप यूज़ करेंगे विद इन। अब बात आती है आफ्टर और बिफोर। वेरी सिंपल, बिफोर का क्या मतलब रहेगा? पहले, ठीक है। तो आई विल मीट यू बिफोर संडे, इसका मतलब कि मैं तुम्हें संडे से पहले मिलने वाली हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं सो दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। बिफोर का मतलब पहले, तो आई विल मीट यू बिफोर संडे, ठीक है। तो मैं आपको संडे से पहले मिलूंगी। एंड आफ्टर का क्या मतलब होगा? बाद में। सिंपल, टाइम जितना भी टाइम आपने जो भी पर्टिकुलर टाइम उनको बोला है उस टाइम के बाद में आप उनको मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर इसी सेंटेंस में मैं बोलती आई विल मीट यू, आई कुड ऑल्सो राइट आफ्टर संडे। इट मीन्स बिफोर संडे मतलब संडे से पहले मिलने वाली हूँ, आफ्टर संडे मतलब संडे के बाद मिलने वाली हूँ। आई गेस ये प्रपोजिशंस अब आपको क्लियर हो गई हैं और इनमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हम मूव करते हैं अगली प्रपोजिशन, दैट इज इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है। इन और इनटू में भी देखिए दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, दोनों का मतलब ही अंदर होता है, पर इसमें स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस है और वो ये है, ठीक है। इन और इनटू में ये डिफरेंस है, इन मतलब अंदर, जैसे हमने पहले भी एट और इन में किया था। एट होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए, और इन होता है किसी चीज़ के अंदर हो, ठीक है। बट इनटू का मतलब क्या है कि अंदर तो शो करना ही है, साथ में इसके क्या शो हो रही है? मूवमेंट शो हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द क्लास, ठीक है। तो आप ऑलरेडी उस चीज़ के अंदर थे तो आपने क्या लगाया? इन। बट अगर आप उस क्लास के अंदर जा रहे हो, इट मीन्स अंदर भी हो रहा है और आपका जाना क्या है? आपकी मूवमेंट है। तो जिस चीज़ में अंदर जाना प्लस आपकी मूवमेंट आ जाए वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? इन टू। तो आई एम गोइंग, अब गोइंग क्या शो कर रहा है? कॉन्टिन्यूटी। तो जा रहे हो आप, साथ में मोशन शो कर रहा है, तो आई एम गोइंग, अब क्या आएगा यहाँ पे? इन टू द क्लास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो गोइंग इन टू द क्लास मतलब है अंदर की तरफ जा रहे हो प्लस मोशन है, और इन का मतलब है कि आप ऑलरेडी किसी चीज के अंदर हो। इसी तरह डिफरेंस आता है इन और इनसाइड के बीच में भी, इन और इनसाइड, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? इन दोनों में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस ये है, इनसाइड भी होता है किसी चीज़ के अंदर और इन भी होता है किसी चीज़ के अंदर। पर छोटा सा डिफरेंस ये है कि जब आप फोर बाउंड्रीज से, फोर वॉल्स से घिरे हुए हो तब आप क्या यूज़ करेंगे? इनसाइड। जब आपके पास फोर बाउंड्रीज, फोर वॉल्स मतलब है कि चार दीवारी है आपकी तरफ, तब आप ये यूज़ करोगे इनसाइड। और इनका मतलब है कि चारों दीवारी तो है ही है बट वहाँ पे फिर भी कोई स्पेस है। छोटी सी एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लास में हो, अगर इसी एग्जाम्पल को हम कैरी फॉरवर्ड करें, अगर आप क्लास में हो और क्लास का डोर ओपन है तो देयर इज अ स्पेस, आप चारों दीवारी से घिरे नहीं हुए हो। बट अगर उसी क्लास का डोर बंद है तो आपकी चारों दीवारी बंद हो गई, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आई एम सिटिंग इनसाइड द क्लास रादर देन इन द क्लास। एक और छोटी सी एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कोई भी बिलोंगिंग, अपनी कोई भी बिलोंगिंग को आप अपने ड्रॉअर में डालते हो, ठीक है, अपने अपने कबर्ड में रखते हो, तो कबर्ड क्या है? बंद कर देते हो। बंद करने के बाद उसकी फोर बाउंड्रीज आ जाती है। या अगर आपने किसी मार्कर को ही, मैंने अपने ड्रॉअर में डाला, ड्रॉअर में डालने के बाद मैंने उसको बंद कर दिया, तो ये चारों दीवारी से घिरा होता है। तो मैं इसको क्या बोलूँगी कि आई पुट माई मार्कर इनसाइड द ड्रॉअर, ठीक है। तो जो ड्रॉअर था उसके अंदर, क्योंकि वो चारों दीवारी से घिरा हुआ था, तो
तो आपने वहाँ पे क्या यूज़ किया, इनसाइड रादर देन इन। तो अगर ऐसा ही है, अगर आपने ये भी बोला सुना होगा कि द वॉटर इज इनसाइड द जग, इट इम्प्लाइज कि वो जग जो है वो उसकी लिड होगी, वो लिड के साथ कवर है। अगर जग विदाउट लिड है तो आप क्या यूज़ करेंगे, द वॉटर इज इन द जग। और अगर आप उस टाइम पे उसको डाल रहे हैं तो अंदर डालने के साथ मूवमेंट भी शो हो गई, तो आप क्या बोलोगे, आई एम पोरिंग द वॉटर इन टू द जग। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, अंदर ओनली मतलब उसके सिर्फ अंदर है तो इन, द वॉटर इज इन द जग। अगर वो जग के साथ लिड है तो वो फोर बाउंड्रीज होगी, द वॉटर इज इनसाइड द जग। और अगर आप उस पानी को उस जग के अंदर डाल रहे हैं, अंदर भी हो गया और मूवमेंट भी शो हो गई, तो आप क्या बोलेंगे, द वॉटर इज बींग पोर्ड, या फिर आई एम पोरिंग द वॉटर इन टू द जग। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हमारी अगली प्रपोजिशन की ओर, दैट आर ऑन एंड अपॉन। अब इसमें हर एक स्टूडेंट को थोड़ी सी डाउट रहती है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है ये कि ऑन मतलब होता है ऊपर, ठीक है, बट अपॉन मतलब होता है ऊपर की तरफ साथ में मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि हमने अभी इन और इनटू के बीच में डिफरेंस किया था, इनका भी मतलब था सिंपल अंदर, और इनटू का मतलब था अंदर प्लस मोशन। इसी तरह ऑन और अपॉन में भी छोटा सा डिफरेंस है, ये ऑन मतलब कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर फिजिकली पड़ रही है, बट अपॉन मतलब कि वो चीज़ ऊपर की तरह मूवमेंट होके उस सरफेस पे वापस से आएगी। फॉर एग्जांपल छोटी सी, जैसे कि अगर हम बात करें, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑन। क्यों, क्योंकि बट ऑब्वियस अगर कोई भी टेबल है, ठीक है, तो बुक पड़ी होगी, तो इसको टच करिए, इसके सरफेस को टच करिए, तो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, उसके सरफेस को टच कर रही है, तब हम क्या लगाएंगे, ऑन। और जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाके उसके सरफेस को टच करती है, फिर हम क्या यूज़ करेंगे, अपॉन। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज गोइंग डैश द स्टेज, ठीक है, तो इस पे अब आप क्या लगाएंगे, ऑन या अपॉन, बट ऑब्वियस अपॉन। रीजन बीइंग अपॉन ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल सर जो भी है हमारे, वो स्टेज के ऊपर अभी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक स्टेज है, स्टेज के ऊपर बट ऑब्वियस कुछ ऐसी स्टेयर्स होती हैं, तो जो प्रिंसिपल सर है वो वहाँ के ऊपर, इनके ऊपर की तरफ मूवमेंट शो होगी, और उसके बाद जाके वो स्टेज के सरफेस पे आ जाएंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, और मूवमेंट करने के बाद वो वहाँ पे जाके उसके सरफेस को टच करती है, तब हम उस पर क्या लगाएंगे, अपॉन। एक छोटी सी एग्जाम्पल, और फॉर एग्जाम्पल द डॉग स्प्रैंग अपॉन द कैट, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द कैट, उसमें भी क्या हुआ होगा, यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे कैट है, तो ये डॉग ने जंप ली होगी, स्प्रैंग अपॉन द कैट मींस उस पर झपट्टा मारा, ठीक है, हिंदी में बोलें तो उस पर झपट्टा मारा, इट मींस कि डॉग है, डॉग ऊपर की तरफ मोशन पे गया, उसके बाद उसने क्या किया, कैट के ऊपर, कैट के सरफेस पे जाके उसको उसके ऊपर फिजिकली गया, तो ऊपर जाने के साथ साथ में मोशन शो हुआ, और उसके बाद उस चीज़ ने उसको टच किया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अपॉन यूज़ करेंगे रादर देन ऑन। ठीक है, होपफुली आपको ऑन और अपॉन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इन और ऑन की। जी हाँ, इन और ऑन में भी छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, जैसे तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्लेस देखें, तो इन टर्म्स ऑफ प्लेस हमने ऑलरेडी इन और ऑन में डिफरेंस कर ही लिया है, जैसे कि इन का मतलब अंदर और ऑन का मतलब किसी चीज़ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज इन बाय बैग एंड द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, होपफुली इसमें आपको ऑलरेडी डिफरेंस क्लियर है। पर अब हम बात कर रहे हैं कि ऑन इन टर्म्स ऑफ टाइम। जब टाइम की बात आती है, तो हमने ऑलरेडी सीखा कि इन किस चीज़ को शो करती है, ड्यूरेशन को। इन ऑलवेज शोज ड्यूरेशन, जो कि हमने पीछे एट ऑन में सीखा। और ऑन क्या शो करेगा, ऑन एक पर्टिकुलर डे के लिए यूज़ होगा, या फिर डेट के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो आउटसाइड
या फिर आई विल गो आउट ऑफ जलंधर डैश सैटरडे. तो मैं जलंधर के बाहर जाऊंगा, कब जाऊंगा? सैटरडे. सैटरडे इज ए पर्टिकुलर डे, और पर्टिकुलर डे को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन. इसी तरह मैं ये भी बोल सकती थी कि आई विल गो आउटसाइड डैश 12th ऑफ मार्च. तो 12th ऑफ मार्च इज ऑलरेडी ए पर्टिकुलर डेट. पर्टिकुलर डेट के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? ऑन. होपफुली टाइम के बेसिस पे आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा. अब एक और चीज़, जब इन और ऑन टाइम के लिए लगते हैं, आई मीन कि टाइम वर्ड के साथ लगते हैं, उसका क्या डिफरेंस होएगा? ठीक है, जब इन और ऑन टाइम वर्ड के साथ लगते हैं उसमें क्या डिफरेंस होगा? अगर मैं बोलूं कि ही इज ऑन टाइम, और मैं दूसरा ऑप्शन आपको दूं कि ही इज इन टाइम, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? कौन सा वाला दोनों में ठीक है, ही इज ऑन टाइम या ही इज इन टाइम? तो शायद आपको इन टाइम गलत लग रहा होगा, बट लेट मी नो कि इन और ऑन दोनों ही यूसेजेस सही है, बस हिंदी के मतलब में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. और वो डिफरेंस ये होता है, अगर आप किसी को बोलो कि वो ऑन टाइम है, ऑन टाइम का मतलब अगर आपको आपने उसको 12 बजे का टाइम दिया था, तो ही इज़ एग्जैक्टली देयर ऑन 12 ओ क्लॉक, सॉरी एट 12 ओ क्लॉक, क्योंकि जब भी पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तब हम एट लगाएंगे. तो जब अगर आपने उनको 12 बजे का टाइम दिया था और वो लिटरली 12 बजे पहुंच जाता है, तब आप क्या बोलोगे कि ही इज़ ऑन टाइम. बट अगर हम बात करें इन की, इन टाइम मतलब हो गया कि जो आपने उसको टाइम दिया था, जो आपने उसको डेडलाइन दी थी, वो उस डेडलाइन से पहले पहुंच गया. तो अगर कोई पर्सन, आपने उसको 12 बजे का अगेन टाइम दिया है और वो पर्सन आपके पास 11:55 पे पहुंच गया है, तो वो टाइम से पहले पहुंचा तो हम क्या लगाएंगे? इन टाइम. रिमेंबर, ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है. पर्टिकुलर टाइम सिंपल बताएंगे कि 12 बजे, तो एट लगाएंगे. बट ऑन टाइम का मतलब ये है कि जिस टाइम पे आपने जौन सा भी टाइम उसको दिया था मीटिंग फिक्स करने के लिए, उस टाइम पे एग्जैक्टली पहुंच गया है. और इन टाइम का मतलब ये है कि वो उस टाइम से पहले पहुंच गया है. तो अब इसी बेसिस पे आप मुझे बताइए कि यू शुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम और इन टाइम. दैट इज़ माई क्वेश्चन टू यू. आपको स्टेशन ऑन टाइम पहुंचना चाहिए या इन टाइम पहुंचना चाहिए? तो बट ऑब्वियस आई गेस आप सभी ने यही आंसर किया होगा कि हमें स्टेशन हमेशा इन टाइम पहुंचना चाहिए. ऑन टाइम पहुंचने का क्या मतलब होगा? ऑन टाइम का मतलब ये होगा कि अगर आपकी ट्रेन 10 बजे की है तो आप 10 बजे ही पहुंचे हैं, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, और आपको 10 बजे से पहले ही पहुंचना पड़ेगा. तो आप क्या यूज़ करोगे कि या यू शुड रीच द स्टेशन इन टाइम, इट मीन्स 10 बजे से पहले पहुंचना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली ऑन 10. ठीक है, होपफुली इसके साथ आपको इन और ऑन में भी डिफरेंस समझ आ गया होगा. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ, एंड दैट आर अबव एंड ओवर. अब हम बात करेंगे ओवर और अबव की. ये तो अपनों प्रपोजिशंस भी ऐसी हैं जो ऊपर को, या जिसको हमने जैसे ऑन का किया था कि वो ऊपर की तरफ कुछ शो करती हैं, पर फिर भी इनमें डिफरेंस होता है. और वो डिफरेंस क्या है? अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है? अबव मतलब होता है सबसे पहली चीज़, अगर हम इसमें डिस्टेंस के बेसिस पे करें, अगेन रिपीटिंग, अबव और ओवर दोनों का मतलब ही क्या है? इसमें ऊपर. ठीक है, पर फिर भी माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं. और आपको ये भी याद रखना है कि कुछ केसेस में ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजली भी यूज़ हो सकते हैं. कभी कभी अबव की जगह ओवर भी यूज़ हो जाता है और ओवर की जगह अबव भी यूज़ हो जाता है. स्टिल देयर लाइज अ माइन्यूट डिफरेंस, एंड दैट इज़ डिस्टेंस. अगर तो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और उसका डिस्टेंस थोड़ा मार्जिनल है, थोड़ा कम है, तो दैट इज़ प्रेफरेबल. वहाँ पे प्रेफरेबल क्या है? डिस्टेंस कम है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अबव. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी
वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, वॉल के आपके यहाँ पे वॉल क्लॉक लगी है, ठीक है, ये वॉल क्लॉक है और यहाँ पे क्या है, कोई सीनरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल थिंग, सीनरीज होती है हमारी, क्लॉक उसके ऊपर होती है, तो क्लॉक और सीनरी में व्हाट डू यू थिंक, कितना सा डिफरेंस होता है? पहली बात ये कि वो उसके सरफेस को टच नहीं करती, दूसरी बात ये कि उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मार्जिनल डिफरेंस होता है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस थोड़ा कम है तो आप यूज़ करेंगे अबव, तो हम लिखेंगे द क्लॉक इज डैश द सीनरी, ठीक है, तो द क्लॉक इज अबव द सीनरी रादर देन ओवर द सीनरी, ठीक है। और ओवर कब यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये ही एक बिल्डिंग है, एक और बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, तो ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर से कोई प्लेन जा रहा है, ठीक है, तो क्या प्लेन, यहाँ पे डिस्टेंस नो डाउट बहुत कम शो हो रहा है, बट क्या प्लेन बिल्डिंग के इतने पास होता है? नहीं, बिल्डिंग से प्लेन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ द एरोप्लेन इज ओवर द बिल्डिंग, ठीक है जी, एरोप्लेन क्या है, बिल्डिंग के ऊपर है पर बहुत सारे डिस्टेंस के साथ, अगर किसी भी चीज़ में मार्जिनल डिस्टेंस है, अगेन रिपीटिंग, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अबव, अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर। इसी तरह आपने सुना होगा द ब्रिज इज डैश द रिवर, ठीक है, तो द ब्रिज इज ओवर द रिवर, रीजन बीइंग क्योंकि ब्रिज और रिवर के बीच में भी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं ओवर का दूसरा आस्पेक्ट। ओवर का दूसरा आस्पेक्ट ये है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर तो है बट उसने उस चीज़ को कवर कर लिया है, ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है पर उसने उसको कवर कर लिया है, फिर भी हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर। फॉर एग्जाम्पल, she put her hands dash my eyes, ठीक है, तो मैं हिंदी में क्या कहना चाहती हूँ कि उसने अपने हाथ मेरी आंखों के ऊपर रख लिए, तो बट ऑब्वियस अगर कोई भी पीछे से हाथ रखेगा तो दैट वुड बी दिस, तो उससे क्या होगा, मेरी आइज पूरी कवर हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे रादर देन अबव, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, she put her hands ओवर my आइज, उसने अपने हाथ मेरी आंखों के ऊपर रखे, जैसे कि अगर हम ये भी बोल सकते हैं आई पुट अ क्लोथ ओवर हिम, ओवर हिम मतलब अगर मैंने उसके ऊपर कोई कपड़ा दिया, ठीक है ना, तो कपड़ा दे रही हूँ, इट मीन्स आई एम कवरिंग हिम, जिसकी भी मैं बात कर रही हूँ, तो जब कोई चीज़ कवर हो रही है तो वहाँ पे आप अबव की जगह क्या यूज़ करेंगे, ओवर। और तीसरा ओवर का आस्पेक्ट ये है कि ओवर जहाँ पे हमने मूवमेंट की बात करनी हो वहाँ पे भी हम ओवर को यूज़ करते हैं, मूवमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि she jumped dash the gate, तो उस लड़के ने क्या किया है, गेट है, फॉर एग्जाम्पल ये रास्ता है, यहाँ पे ऐसा कोई गेट है, तो उस लड़की ने क्या किया है, गेट के ऊपर से जंप की है, ठीक है ना, गेट के ऊपर से जंप करने का क्या मतलब हुआ कि वो यहाँ से लेके मूवमेंट के लिए जा रही है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करके वापस से नीचे को आई, तो हमने वहाँ पे भी क्या करना है, ओवर यूज़ करना है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया हो कि हम ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, अपॉन यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल सही है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए अपॉन तो यूज़ होता है, पर उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी होता है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट पे जाके साथ में उसके सरफेस के ऊपर स्टे हो जाना, बट यहाँ पे अगर हम ये कहते कि शी जंप्ड अपॉन द गेट, उसका क्या मतलब हो जाता कि ये गेट है, उसने यहाँ से जंप की और वो गेट के ऊपर जाके खड़ी हो गई, बट हमने ये नहीं कहना, हमने क्या बोलना है कि गेट से ऊपर जंप तो किया पर दूसरी साइड चले गई, गेट के ऊपर नहीं ना खड़ी हुई, इसलिए हमने अपॉन नहीं यूज़ करना, वहाँ पे हमने यूज़ करना है ओवर, ठीक है जी। और ओवर के तीन आस्पेक्ट किए हमने, एक तो हाइट है, ऊपर तो तीनों में आ ही रहा है ना कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, पहली चीज़ ऊपर है प्लस वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है,
दूसरी चीज कि ऊपर है पर उसने उस चीज को पूरा कवर कर लिया है, और तीसरी चीज ऊपर तो है साथ में मूवमेंट भी शो हो रही है वहां पे। हम इन तीनों चीजों के ऊपर हम क्या, हम इन तीनों केसेस में ऊपर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओवर। अच्छा, इसी तरह अबव का एक छोटा सा और एस्पेक्ट होता है। अबव का मतलब होता है प्रीवियसली मेंशनड, ठीक है, प्रीवियसली मेंशनड। प्रीवियसली मेंशनड मतलब कि जो चीज पहले से आपने मेंशन कर ली है। प्रीवियस क्या मतलब होता है, पहला, पिछला वाला। तो जो चीज आपने पहले मेंशन कर ली है उसके लिए भी कभी कभी आप अबव को यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल किसी को बोलूं तो आई कैन से, अगर मुझे प्रीवियस मेंशन को एक सेंटेंस में यूज करना हो इन फॉर्म ऑफ अबव, तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ कि मीट मी ऑन द डैश मेंशनड एड्रेस, या फिर मैं सिंपल ये भी बोल सकती थी कि मीट मी ऑन द डैश एड्रेस। डैश एड्रेस पे क्या आएगा, अबव। अबव मतलब कि बट ऑबियस मैं किसी को लेटर लिख रही हूँ, लेटर के स्टार्टिंग में हम बट ऑबियस अपनी एड्रेस की डिटेल्स देते हैं, तो एड्रेस की डिटेल जहाँ पे भी हमने ऑलरेडी दी होगी तो उसके नीचे हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि मीट मी ऑन द अबव मेंशन। अबव मेंशन मतलब जो पहले मेंशन कर दिया है उस एड्रेस पे आके मुझे मिलिए, ठीक है जी। अब होपफुली आपको अबव और ओवर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आज अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं बहुत सिंपल सी प्रपोजिशंस पे, एंड दोज आर बिटवीन एंड अमंग, ठीक है। आई गेस ये बहुत ही कॉमन यूजेज में यूज होता है, पर फिर भी कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और छोटी सी गलती कर बैठते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इतना सा एस्पेक्ट याद रखना है कि जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू पीपल, ठीक है, कोई भी चीज दो दो जानों के बीच में है, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, बिटवीन। और अमंग का क्या मतलब होगा, जब भी कोई टू, दो लोगों से ज्यादा, ठीक है, आई शुडंट राइट टू पीपल, आई शुड राइट मोर देन टू पीपल, ठीक है, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा तीन भी हो सकते हैं, फिर भी हम क्या यूज करेंगे, अमंग यूज करेंगे। बस दो के लिए बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए अमंग। फॉर एग्जाम्पल, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश टू चिल्ड्रन, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही जानों की बात हो रही है, दो बच्चों की बात हो रही है, तो जहाँ पे हमने टू पीपल के लिए क्या यूज करना है, बिटवीन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिटवीन। तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन टू चिल्ड्रन। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि आई एम डैश मैनी पीपल, अब बट ऑब्वियस मैनी पीपल दो से तो ज़्यादा ही होंगे, और दो से ज़्यादा के लिए हमने क्या यूज़ करना है, अमंग यूज़ करना है। तो हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पे, आई एम अमंग मैनी पीपल, ठीक है जी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल और, जब आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में रहना चाहिए, तो आपको क्या बोलना चाहिए, दिस सीक्रेट शुड बी बिटवीन अस। बट अगर फ्रेंड आपका वो सीक्रेट कहीं और जाके रिवील कर दे, तो वो जो आपका सीक्रेट है वो दो से ज़्यादा जानों के बीच में चला गया, तो योर सीक्रेट इज अमंग अदर्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी सिर्फ दो जानों की बात वहाँ पे बिटवीन, जहाँ पे दो से ज़्यादा जानों की बात वहाँ पे अमंग। होपफुली आज का सेशन आपके लिए यूजफुल था, आपको इतनी प्रपोजिशंस समझ आई। अब आप इनको रिवाइज करेंगे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और प्रपोजिशंस के साथ। थैंक यू सो मच।